कुछ देशों में जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोरोना से बचने की कोशिश की है। तो जैसे कोई कोरोना का पेशेंट है या कोरोना का सस्पेक्ट है या कोरोना का कॉन्टैक्ट है जिसको क्वारंटाइन कर दिया, उसे कहा गया कि आप अपने घर से नहीं निकलोगे। अब कैसे पता चले कि घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो उन लोगों ने उसके फोन को ट्रेस किया कि वो 14 दिन तक उसका फोन घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और अगर उसका फोन घूम रहा था तो वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया, उन सब का पता चल गया, फोन नंबर्स का, जिस जिस के कॉन्टैक्ट में वो आया। तो आज हर सुबह मैं और एलजी साहब, हम दोनों की मीटिंग होती है। ये निर्णय लिया गया कि पुलिस का की मदद लेके ऐसे सब लोग जिनको घर में रहने के आदेश दिए गए हैं, उनके पिछले कुछ दिनों के फ़ोन ट्रेस किए जाएंगे कि वो अपने घर में रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे। तो कल हम लोगों ने 11,084 फ़ोन नंबर्स पुलिस को दे दिए हैं जिनका वो ट्रेस करेंगे कि ये लोग अपने घर में क्वारंटाइन फॉलो कर रहे थे नहीं कर रहे थे। और आज 14,345 और फ़ोन नंबर दे देंगे। ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने आदेश दिया कि आप अपने घर में रहोगे, घर से नहीं निकलोगे, लोगों के टच में नहीं आओगे। लेकिन सुनने में आया है कि इनमें से कुछ लोग अभी भी सरकारी आदेश को नहीं मान रहे, वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से और लोगों को खतरा है। तो अगर जो जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो जो पता चलेगा पुलिस की रिपोर्ट के पे, जो जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। और फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो आगे और कितने लोगों के टच में आए, आगे और उन्होंने कितने लोगों को कॉन्टैक्ट किया।